और अब बात करते हैं बहराइच की, जहां थाना नवाबगंज इलाके में नशीले चिप्पड़ का काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। चिप्पड़ बेचते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया कर्मियों को देख चिप्पड़ की थैली लेकर भाग रहा युवक, नवाबगंज क्षेत्र में किस तरह से नशीले चिप्पड़ ने नौजवानों को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन पुलिस एकदम अनजान बनी बैठी है। नवाबगंज इलाके में चिप्पड़ का काला कारोबार बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है। सस्ते नशे की लत नौजवानों को बिगाड़ रही है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग पूरी तरह से बेखबर बने हुए हैं। आखिर देखना यह है कि अब नवाबगंज पुलिस क्षेत्र में फैले चिप्पड़ की अवैध कारोबार को रोकने में कामयाब होती है या नहीं। यह वीडियो थाना नवाबगंज इलाके के बसंतपुर कालिका मंगलीनाथ मंदिर के पास का बताया जा रहा है। विराट 24 न्यूज के लिए बहराइच से शहनवाज खान की रिपोर्ट। खोलिए, आप खोलिए, हेलो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, हेलो भाग क्यों नहीं, इधर आइए, इधर आओ, इधर भाग क्यों नहीं, पहले बात बताइए भाग क्यों रहे हैं, भागे हैं क्यों, यहाँ से भागे क्यों, ये बताइए भागे क्यों, भागे क्यों, निकलो बाहर, चलता है ये किसका दुकान है, राजन तिवारी की दुकान है, किसकी दुकान है, किसकी दुकान है, कौन, यही राजन तिवारी की दुकान, कहाँ रहते हैं राजन तिवारी, बाराबंकी रहते हैं, बाराबंकी रहे, कितने दिन से दुकान खुली है, कम से कम एक साल से, एक साल से, सरकारी ठेका लगा, इस दुकान पे कौन बैठता है, टेम्परेरी नौकर से चलवा रहे, क्या नाम है नौकर का, मैं नहीं बता सकता हूँ, हम मंदिर पे रहे, अभी जो भागा है वो कौन था, वो नौकर है, क्या नाम है उसका, मैं नहीं बता, इतने देर से आप बैठ के यहाँ पे पी रहे हो, आपको नहीं पता है कौन है, हम तो पी रहे हैं, फिर बताइए, तो हम नाम नहीं पता है आपको, हमको नहीं पता है, हम बाहरी आदमी है, बाहरी है, कितने साल से रहते हैं मंदिर में, लगभग 15 साल से, 15 साल से, 15 साल से आपको जानकारी नहीं हुआ, हम कभी आज चार दिन का आदमी आए, मोहल्ले का पता चल जाता है, आपको नहीं पता चलता है ना,